दहेज में 10 लाख रुपए नहीं मिलने पर विवाहिता प्रतिभा कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को छोड़ ससुराल वाले फरार हो गए। घटना मीरगंज थाने के मीरगंज शहर के वार्ड संख्या 12 राजकुल के समीप की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले में विवाहिता के पिता कुचायकोट थाने के हरपुर गांव निवासी हरेंद्र प्रसाद ने हत्या की FIR दर्ज कराई है। इसमें पति संदीप सोनी, ससुर अशोक सोनी, सास विभा देवी, ननद रागिनी, इन सभी को नामजद किया है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के बाद आरोपित घर छोड़ फरार है। FIR में पिता ने कहा कि वर्ष 2018 में अपनी बेटी प्रतिभा की शादी मीरगंज शहर के वार्ड संख्या 12 के रहने वाले अशोक सोनी के पुत्र संदीप सोनी के साथ की गई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग की जाने लगी। इसके लिए प्रतिभा को प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रताड़ना की शिकायत करने पर पिता ने कई बार पंचायती भी कराई, लेकिन ससुराल वाले दहेज की मांग पर अड़े रहे। 26 फरवरी की सुबह 8 बजे प्रतिभा रोते हुए फोन की थी। उसके कुछ देर बाद पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है, तो वो बेटी के ससुराल मीरगंज पहुंचे। वहां जानकारी मिली कि ससुराल वाले हत्या के बाद शव को ठिकाने के लिए वाहन की व्यवस्था कर रहे थे। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाहिता के भाई का कहना है कि ससुराल वालों के कहने पर मुंह मांगा उपहार दिया गया था, लेकिन फिर 10 लाख की मांग की जाने लगी थी और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। सभी आरोपित फरार है। गलत दवा का सुबह हत्या किया गया। फोन भी आया तो सुबह तक बात हुआ ही है। आधे घंटे बाद पता चला कि वो डेथ कर गई है। दौड़ दौड़ आए हैं तो यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ था, घर छोड़ के भाग गया। तैयार किए, रिसीविंग नहीं मिला। उनके ससुर जो मेन है उसी में, और सास अशोक सोनी है, उसके सास है, एक ननद है जो देवरिया घर आई थी, वही झगड़ा की है, भाग गई है वो भी। ये तीनों का मिली भगत है। संवाददाता सुमेश तिवारी, 20 RS न्यूज, मीरगंज।